We will start our exercise 5.2 with question 2. A group of 360 people were asked to vote for their favorite season from the three seasons, rainy, winter and summer. Right? तीनों में से जो फेवरेट सीजन है उस पे उस वोट देने को कहा है. तो समर में कितने वोट्स मिले हैं? 90. रेनी में 120 एंड विंटर में 150. ओके, नाउ फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हिच सीजन गॉट द मोस्ट वोटेड. सबसे ज्यादा वोट किसको मिले हैं? तो सबसे ज्यादा वोट है 150 जो विंटर को मिले हैं. राइट, तो फर्स्ट का आंसर होगा विंटर सीजन गॉट 150 वोट्स. सेकंड क्वेश्चन है फाइंड द सेंट्रल एंगल ऑफ ईच सेक्टर. अब हमें यहाँ पे एंगल बनाना है तो उसके लिए क्या करना होगा? पाई चार्ट ड्रॉ करना होगा. राइट, एंड देन ड्रॉ अ पाई चार्ट टू शो दिस इंफॉर्मेशन. तो बिना पाई चार्ट के हम उसके सेंट्रल से एंगल डिनोट नहीं कर सकेंगे. तो वो एंगल किस तरह से लेने हैं उसके लिए हमें फर्स्ट, जैसे मैंने एक्सप्लेन किया था, उसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है और उसके बाद उसे 360 से एंगल के लिए मल्टीप्लाई करना होगा. तो वी कैन टेक टेबल, अलग अलग सीजन है, समर, रेनी एंड विंटर. पीपल हु वोटेड, तो समर सीजन में कितने वोट्स थे? 90. रेनी सीजन में 120 वोट्स एंड विंटर सीजन में 150 वोट. कैलकुलेशन हमें करना है वो 90 अपॉन 360. राइट, तो यहाँ पे 0 0 कट, 9 4 जा 36, तो 9 9 कट होगा, इसलिए 1 अपॉन 4 फ्रैक्शन. नाउ 120 अपॉन 360, तो यहाँ पे भी 0 0 कट एंड 12 3 जा 36, और 12 12 भी कट होगा, 1 अपॉन 3. अगेन 150 अपॉन 360, तो यहाँ 0 0 कट, देन 5 3 जा 15 एंड 12 3 जा 36, तो 3 3 कट हो गए, रिमेन्स 5 अपॉन 12. हमें तीनों के फ्रैक्शन मिल गए. अब इसे हमें 360 से मल्टीप्लाई करना है, तो 1 अपॉन 4 मल्टीप्लाई बाई 360, सो इट इज वापस यहाँ पे 90 4 जा 360. राइट, तो 90 एंगल, देन 1 अपॉन 3 मल्टीप्लाई बाई 360, तो 12 3 जा 36, 120 का एंगल, एंड 5 अपॉन 12 मल्टीप्लाई बाई 360, इसलिए 150 का एंगल बनेगा. तो यहाँ पे आप दोनों को कंपेयर करो. पहले हमने 360 से माइनस किया, बाद में यहाँ मल्टीपल किया. राइट, तो यही एंगल वापस बनता है, देखो है. द रिक्वायर्ड पाई चार्ट इज एज बिलो. तो समर का 90, राइट, जो राइट एंगल है. रेनी सीजन का 120 का, और जो विंटर सीजन है उसका 150 का एंगल बनेगा. Now next question is draw a pie chart showing the following information. The table shows the colors preferred by a group of people. तो यहाँ हमें पाई चार्ट ड्रॉ करना है और इस टेबल में कितने लोगों ने कौन सा कलर प्रीफर किया वो दिया है. ब्लू कलर है वो 18 पीपल ने, ग्रीन कलर 9, रेड कलर 6 पीपल ने, देन येलो कलर 3 पीपल, एंड टोटल. तो कितने टोटल है? 18 प्लस 9 प्लस 6 प्लस 3, सो
36 पीपल ने अलग अलग कलर है वो चूज किए हैं, प्रिफर किए हैं। इन ऑर्डर टू ड्रॉ द पाई चार्ट वी नीड टू फाइंड द रिस्पेक्टिव एंगल, राइट। हमें जैसे यहाँ पे एंगल फाइंड किए हैं उस तरह से एंगल फाइंड करना होगा। सो कलर देन नंबर ऑफ पीपल, उसके बाद हमें उसे कन्वर्ट करना होगा फ्रैक्शन में, एंड देन वी हैव टू कन्वर्ट इट इनटू 360 डिग्री पाई चार्ट ड्रॉ करने के लिए। फर्स्ट है वो ब्लू कलर है जिसमें कितने पीपल आएंगे, 18, राइट। और टोटल कितने पीपल थे, 36, राइट। तो 18 को 36 से डिवाइड करो, 18 टू जा 36, 18 18 कट, तो फ्रैक्शन आएगा 1/2। 1/2 को हम बाद में कन्वर्ट करने के लिए डिग्री में 360 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे 180 टू जा 360, सो 2 2 कट, 180 डिग्री का एंगल बनेगा। नेक्स्ट सेकंड आएगा ग्रीन कलर, सो ग्रीन कलर कितने लोगों ने प्रिफर किया था, 9, तो 9, तो प्रोपोर्शन में लिखेंगे 90/360, ये गलत है, यहाँ पे आएगा 9/360, सॉरी यहाँ पे क्या आएगा, ये दोनों जीरो नहीं आएंगे, राइट। ये दोनों जीरो अपॉन 36, ओके। देन 9 4 जा 36, इसलिए 9 9 कट होगा, 1/4। नाउ 1/4 को 360 से मल्टीप्लाई करो, तो यहाँ पे 90 4 जा 360 होगा, 4 4 कट, तो 90 का एंगल बनेगा। देन रेड कलर है, 6 पीपल ने प्रीफर किया है, इसलिए 6/36, तो 1/6, राइट। 6 6 जा 36, 1/6 मल्टीप्लाई बाय 360, तो 36 के फैक्टर्स क्या आएंगे, 6 6 जा 36, और ये जीरो, 1 6 कट होगा, और 1 6 6 के साथ जीरो, यानी कि 60 डिग्री का, राइट। इस तरह से 60 मल्टीप्लाई बाय 6, और ये 6 और ये 6 कट होगा, 60 का एंगल बनेगा। यहाँ ये दोनों कट रखना, राइट, ये नहीं आएगा। देन येलो, तो येलो 3 लोगों ने प्रीफर किया है, इसलिए 3/36, 12 3 जा 36, 3 3 कट, 1/12। नाउ 1/12 मल्टीप्लाई बाय 360, अगेन 12 मल्टीप्लाई 30, 12 12 कट होगा न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर का, और एंगल बनेगा 30 का, तो हर एक एंगल हमें मिल गए, राइट। जो आगे फर्स्ट था वो कितने का था, 180 का। अब ये आप टोटल करो ना सभी एंगल का, तो टोटल 360 ही हो जाता है। अगर ना हो तो आपने कहीं पे मिस्टेक की है, राइट, कैलकुलेशन में। द पाई चार्ट ऑफ द एबव इंफॉर्मेशन अकॉर्डिंग टू देयर रिस्पेक्टिव एंगल एज गिवन इन द टेबल, राइट। तो यहाँ फर्स्ट जो ब्लू का 180 है, राइट, जो स्ट्रेट होता है, जो सेमी सर्कल आएगा। नेक्स्ट ग्रीन का 90 का है, तो वो राइट एंगल बन जाएगा, राइट। देन बाकी का जो 90 का एंगल है उसमें एक आएगा 60 का और एक आएगा 30 का। फिफ्थ क्वेश्चन इज द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन अ हॉस्टल स्पीकिंग डिफरेंट लैंग्वेज इन गिवन बिलो, डिस्प्ले द डेटा इन अ पाई चार्ट। तो जो स्टूडेंट्स हैं वो अलग अलग लैंग्वेज बोल रहे हैं, तो कितने स्टूडेंट्स कौन सी लैंग्वेज बोल रहे हैं, ये हमें यहाँ टेबल में दिया है, राइट। हिंदी है वो 40 स्टूडेंट्स, इंग्लिश 12 स्टूडेंट्स, मराठी 9 स्टूडेंट, तमिल 7 स्टूडेंट्स, बंगाली 4, एंड टोटल सभी स्टूडेंट्स है वो है 72 स्टूडेंट्स। तो जब हम फ्रैक्शन फाइंड करते हैं तब हम टोटल जो दिया है उससे डिवाइड करते हैं, राइट। तो यहाँ हमें पाई चार्ट उसका ड्रॉ करना है, तो पहले हम कैलकुलेशन करेंगे, टोटल स्टूडेंट्स है वो 72 है,
टोटल सेंट्रल एंगल कितने का होगा? 360 का, राइट। फॉर हिंदी कितने? हिंदी के लिए 40 स्टूडेंट्स हैं, राइट। हिंदी के लिए कितने स्टूडेंट्स हैं? 40 स्टूडेंट्स। तो फर्स्ट 360 अपॉन 72 मल्टीप्लाई बाय 40, तो 72 आवाज आ रही है ना मेरी? 72 फाइजा होगा 360, राइट। तो ये 72 और ये 72 कट होंगे, 5 रिमेन रहेगा, और 5 को 40 से मल्टीप्लाई करो तो 40 फाइजा 200 डिग्री का एंगल बनेगा, राइट। हर एक में 360 अपॉन 72 ही है, राइट। हर एक में 360 अपॉन 72 है, मल्टीप्लाई जो लैंग्वेज के स्टूडेंट्स है उससे करना है। तो हर एक में 72 फाइजा होगा और 72 72 कट होंगे, राइट। तो यहाँ पे भी इंग्लिश में 12 फाइजा 60 डिग्री। देन मराठी में 360 अपॉन 72, 72 72 कट, 5 9 45 डिग्री। अगेन तमिल में भी 360 अपॉन 72 मल्टीप्लाई 7, तो यहाँ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के 72 कट होंगे, तो 5 रिमेनिंग, 5 मल्टीप्लाई 7 इज 35 डिग्री। एंड बंगाली में 360 अपॉन 72 मल्टीप्लाई 4, तो यहाँ पे भी 72 72 कट, 5 4 20 डिग्री का एंगल बनेगा। ओके नाउ यहाँ पे जो हमें एंगल मिले हैं उसकी हेल्प से हमें यहाँ पे पाई चार्ट ड्रॉ करना है। सो देखो, फर्स्ट है वो हिंदी के कितने? 200 डिग्री का एंगल था, जो सबसे हाईएस्ट है, राइट। तो वो 180 की जो स्ट्रेट लाइन इस तरफ बनती है उससे ज़्यादा होगा, इसलिए ये 200। नेक्स्ट इंग्लिश का जो एंगल है वो कितने का है? 60 का। मराठी का 45 डिग्री, तमिल का 35 डिग्री, एंड बंगाली का 20 डिग्री का एंगल यहाँ पे है, और सबका टोटल आप करो 360 हो जाएगा।